हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज आपके लिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाना इसे उतना ही आसान है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। लेडीज स्वेटर, जेंट्स हाफ वाजू स्वेटर, फुल वाजू स्वेटर, बच्चों का स्वेटर, स्टॉल, मफलर, कुछ भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी प्रोजेक्ट पे इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है और किसी भी कलर में बना सकते हैं आप। इसको लाइट कलर में बना लें, डार्क कलर में बना लें, किसी भी कलर में बना लेंगे, हर कलर में ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगने वाला है। इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे लेने हैं, आप 5 के मल्टीपल से फंदे डाल लें। 5 5 5 ऐसे करते फंदे डालते जाएंगे तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा। ये फ्रंट साइड से ऐसे ही नज़र आएगा और बैक साइड से ये देखिए बिल्कुल साफ, ये देखिए बिल्कुल साफ पता चल रहा है सीधे सीधे कहाँ हैं और उल्टे कहाँ हैं, ये देखिए बिल्कुल साफ पता चल रहा है। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे साथ साथ बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनेगा, क्योंकि मैं पूरा डिज़ाइन को बोल बोल के रिपीट करती हूँ। कहाँ पे सीधे डालने, कहाँ पे जाली डालनी, कहाँ पे कैसे बनाना है, पूरा साथ में बोल बोल के रिपीट करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब भी कोई डिज़ाइन बताऊँ तो आपको पूरा बोल बोल के रिपीट करती हूँ, ताकि बनाते समय आपको कोई भी परेशानी ना आए, बिल्कुल आसानी से आप उस डिज़ाइन को बना लें। तो आप पहले बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए मैंने एक सीधा एक उल्टा ऐसा वाला बॉर्डर बनाया। आप भी पहले अपना मनपसंद कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं। बॉर्डर बना लेंगे, बॉर्डर के ऊपर अगर आपने फंदे बढ़ाने हैं तो बॉर्डर की ये देखिए लास्ट वाली उल्टी रो में उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लें, क्योंकि फिर राइट साइड से इस डिज़ाइन को हमें स्टार्ट करना है। तो आप पहले बॉर्डर बना के फंदे बढ़ा लें जितने बढ़ा लें, उसके बाद डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी पहले 5 5 5 करके जितने फंदे डालने डाल लो। मैंने 15 फंदे डाले हैं, आपने जितने डालने हैं डाल सकते हो। तो और मेरे साथ साथ ही बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने फंदे डाल के ऊपर मैंने बॉर्डर बना लिया, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ये देखिए 15 फंदे डाले हैं और अब डिज़ाइन के हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पहला फंदा स्किप करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पे हम जाली डालेंगे। जाली उसी हिसाब से डालेंगे कि आगे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से हमें जाली बनानी है, जाली बनाएंगे, फिर से 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से हमें जाली बनानी है, लास्ट वाले 2 फंदे उल्टे। उल्टी रो में 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे जो उल्टे बनाए थे। फिर ये देखिए जो जाली बनाई थी उस पर क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। इस जाली में ये देखिए, ध्यान से देखिए, इस जाली में हमें इस जाली वाले फंदे पे हमें 5 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5, 5 फंदे बना लिए, फिर इसे छोड़ देंगे। आगे वाला फंदा उल्टा, ये देखिए उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इस जाली वाले फंदे में हमें 5 फंदे बनाने हैं, 1 2, जो दूसरा फंदा बनाना है फ्रेंड्स उसे ऐसे ही बल दे के सिलाई के ऊपर कर लेना है। 2 फंदे बन गए, तीसरा फंदा फिर उल्टा बनाएंगे, फिर से 4 और 5,
फिर इसे छोड़ देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये देखिए पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे बना लिए। फिर एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, स्टिच हम उल्टा निकाल लेंगे। नेक्स्ट रो, फर्स्ट रो में हमने किया तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक जाली बनाई, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक सीधा, फिर से जाली बनाई। सेकंड रो हमने उल्टे तीन फंदे सीधे और जाली वाले फंदे पे हमने पांच फंदे बनाए और एक फंदा हम उल्टा बनाते गए। अब थर्ड रो, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, तीन फंदे हम उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब ये जो पांच फंदे हमने बनाए थे, ये देखिए तीन उल्टे हैं, इन्हें साइड पे कर लेंगे और पांच फंदे यहाँ से गिन के आपने पांच फंदे लेने हैं जो हमने बढ़ाए थे। पांच फंदों के बीच में सिलाई डालनी है और पीछे की तरफ से इसे सीधा बना लेना है, ये देखिए सीधा बना लेना है पांच फंदों को, फिर छोड़ देंगे। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और तीन फंदे हम उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा, ये देखिए एक फंदा सीधा, फिर से इन पांच फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। जब पांच फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ध्यान रखें हम तीन फंदे आगे हमारे जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाने हैं, उनमें से कोई फंदा भी इन फंदों के साथ नहीं आना चाहिए, पांच फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए पांच फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर से छोड़ देंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर से तीन फंदे हम उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से पांच फंदे, एक दो तीन, ये देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच फंदों को एक साथ लेके पीछे कर लेंगे और पीछे से थोड़ा लूज करके इन्हें सीधा बना लेंगे, ये देखिए फिर छोड़ देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, थर्ड रो कंप्लीट। फोर्थ रो, दो फंदे सीधे, अब ये वाले दो फंदे उल्टे बना लेंगे जो सीधे नज़र आ रहे हैं, ये देखिए ये तीन सीधे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम सीधा बना लेंगे, एक दो तीन, तीन सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे, स्टिच उल्टा निकाल लेंगे। ये देखिए फोर्थ रो कंप्लीट। फिफ्थ रो, पहला फंदा स्किप करेंगे, अब तीन फंदे उल्टे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बुने जाएंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, ये देखिए ये सीधे नज़र आ रहे हैं, ये दो फंदे ये सीधे बनाएंगे, जो तीन फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें हम उल्टा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, लास्ट वाले दो फंदे उल्टे। उल्टी रो में जो फंदे हमें सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बना लेंगे, जो फंदे हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें हम उल्टा बना लेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे।
तीन फंदे उल्टे, स्टिच हम उल्टा निकालेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड सीधी रो, पहला फंदा स्किप करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे, ये देखिए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे और तीन फंदे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर दो का एक करेंगे आगे की तरफ से, दो का एक करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर तीन फंदे जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी एक सीधे फंदे के साथ वैसे ही बना रहे हैं, दो फंदों का एक करके सीधा बना लेंगे, इसे जाली बनाएंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन पूरा कंप्लीट। अगर इसको आगे फिर से हम वैसा ही करेंगे जैसे हमने दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली वाले फंदे पे पांच फंदे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से तीन सीधे, फिर जाली वाले फंदे के ऊपर पांच फंदे बनाएंगे, फिर ये डिज़ाइन ऐसे ही चलता जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट पे डालोगे तो ये ऐसे बन के आएगा, ये देखिए ऐसे बन के आएगा। फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें, बेल आइकन फ्रेंड्स ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ।